हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज होप मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे हम अपने वीडियोस में स्ट्रोब इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में म्यूजिक के बीट के साथ साथ जो वीडियो में फ्लिकर होता है उसे हम स्ट्रोब इफेक्ट कहते हैं, और इसे हम ट्राई करने वाले हैं किनेमास्टर में। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने जैसा देखा, हम कुछ उस तरह का क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह के मोबाइल वीडियो एडिटिंग पर इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम एडिटिंग की ओर। तो अभी हम आ गए किनेमास्टर में। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक डांस वीडियो को इंपोर्ट कर रखा है जिसमें कि ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और इसके नीचे एक म्यूजिक फाइल को भी इंपोर्ट करके रखा है जिसके बीट के हिसाब से हम अपना इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिना इफेक्ट के ये कैसा दिखता है। तो जैसे आपने देखा, ये एक नॉर्मल वीडियो है, इसमें किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इसमें हम अपना इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली म्यूजिक फाइल में जहाँ पर भी हमारा बीट स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट में आना। जैसे यहाँ पर आने के बाद सिंपली जाना लेयर में, मीडिया में, इसके बाद एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना। बैकग्राउंड इंपोर्ट होने के बाद सिंपली जाना इसे स्प्लिट स्क्रीन में और इसे कर देना फुल स्क्रीन। इतना होने के बाद जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करना, सीजर वाले आइकन में जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं है। तो सिंपली वीडियो में थोड़ा सा आगे जाना, तो जैसे ही हमारा ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर सिलेक्ट करना स्प्लिट हेड प्ले हेड। इसके बाद वीडियो में थोड़ा सा फिर से आगे जाना, जैसे ही हमारा ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्ट करना स्प्लिट हेड प्ले हेड। इसके बाद फिर से वीडियो में थोड़ा आगे जाना, जैसे ही ऑप्शन एक्टिव होगा यहाँ पर सिलेक्ट करना स्प्लिट हेड प्ले हेड। तो इसी तरह कंटिन्यू करते जाना जहाँ तक हमारा बीट है। इसका तो बाकी जो बैकग्राउंड बच गया है उसे सिंपली डिलीट कर देना। इसके बाद हमारे बैकग्राउंड का पहला वाला पार्ट को छोड़ के जो दूसरा वाला पार्ट है उसको डिलीट कर देना, फिर तीसरे वाला पार्ट को छोड़ के चौथा वाला पार्ट को डिलीट कर देना, और इस तरह कंटिन्यू करते जाना। यहाँ तक एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे जो बैकग्राउंड के पार्ट्स है उसे हमारे जो म्यूजिक की बीट है उसके साथ सिंक करना है। तो सिंपली जो पहला वाला पार्ट है उसे जैसा कि वैसे रहने देना, जो दूसरा वाला पार्ट है उसे सिंपली ड्रा करके हमारा जो सेकेंड बीट है उसके नीचे ले आना कुछ इस तरह। इसके बाद हमारा जो तीसरा पार्ट है उसे सिंपली ड्रा करके हमारा जो नेक्स्ट बीट है उसके नीचे ले आना, और इसी तरह कंटिन्यू करते जाना। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं और भी बीट्स है जिसके नीचे हमें बैकग्राउंड लगाना है। तो सिंपली जो लास्ट वाला पार्ट है बैकग्राउंड का उसको सिलेक्ट करना, उसे डुप्लीकेट करना और इसे सिंपली ड्रैग करके हमारे बीट है उसके नीचे ले आना कुछ जिस तरह। इसके बाद इसे फिर से डुप्लीकेट करना और इसे फिर से ड्रैग करके बीट के नीचे ले आना। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सभी बीट्स के नीचे एक एक ब्लैक बैकग्राउंड का पार्ट ऐड हो गया है। तो इसमें हमारे वीडियो में एक फ्लिकर इफेक्ट या फिर एक स्ट्रोब इफेक्ट ऐड हो गया है। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में स्ट्रोब या फिर फ्लिकर इफेक्ट ऐड हो गया है। तो इसी तरह हम अपने किसी वीडियो में स्ट्रोब इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं म्यूजिक की बीट के हिसाब से। तो म्यूजिक के बीट के हिसाब से हमें जहाँ जहाँ वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट लगाना है वहाँ पर फ्लिकर इफेक्ट लगाने के बाद, इसमें थोड़ा कलर ग्रेडिंग करने के बाद और इसमें सिनेमेटिक फ्रेम को लगाने के बाद ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।